नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये फ्लावर जैसा ही बनाकर दिखाऊंगी आपको। और जो कि इसमें मैं जॉइंट करके थाल पोस बनाऊंगी। तो ये बीच का डिज़ाइन मैंने फूल जैसा बनाया है और देखना बहुत प्यारा डिज़ाइन है। मैंने दो कलर में बनाया, तीन कलर में बनाया, सॉरी। तो आप भी बना सकते हैं थाल पोस में, या फिर टेबल मैट में भी आप जॉइंट कर सकते हैं इसको फ्लावर बनाकर। तो आपको मैं इतना बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। अभी मैंने इतना ही बनाया है, इसको मैं जॉइंट करके इसको थाल पोस बनाऊंगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिएगा, इसमें मैं छह चैन बनाऊंगी, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह चैन बनाने के बाद जॉइंट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसका हम पूरा गोला बना लेंगे इसमें डबल क्रोशिया से, और दो चैन ले लेंगे पहले हम, फिर इसका गोला बनाएंगे इस तरीके से। अगर डिजाइन पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि डिजाइन कैसा लगा। इस तरीके से मैं ये गोला बना तो देखिएगा, ये हमने गोला बना लिया पूरा डबल क्रोशिया का। और इसको हम यहीं पर कट कर देंगे। ठीक है, इसको कट करने के बाद मैं हम ये वाला कलर जॉइंट करेंगे, क्योंकि ये वाला कलर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसी में बना कर दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहीं पर ही हम जॉइंट करेंगे, देखना। इस तरीके से तो इसमें हम देखना 12 चैन बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। 12 चैन बनाने के बाद इसमें देखना हम पाँच बनाए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बनाए हैं। इसमें भी हम पाँच बनाएंगे। तो इसमें हम दो क्रोशिया छोड़ देंगे, दो डबल क्रोशिया छोड़ देंगे इस तरीके से। और सिंगल क्रोशिया से हम इस तरीके से जॉइंट करते हुए जाएंगे इसमें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इस तरीके से। फिर से हम बारह बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। फिर हम यहाँ जॉइंट करेंगे, देखना। ठीक है, हमें दो दो का इसका दो दो डबल क्रोशिया छोड़नी है यहाँ से इस तरीके से। तो देखिएगा, इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं बराबर में लेके। ये हो गया, ठीक है। ये देखिएगा,
इस तरीके से हमारी सारी चेनें बनेंगी। सारी चेनें बन गई हैं, एक टेबल एक क्रोशिया निकाल लेंगे, चेन निकाल लेंगे सॉरी, और इसका हम सीधा इसमें सिंगल क्रोशिया से इस वाली चेन में हम इस तरीके से ले लेंगे। और अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, आठ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोशिया निकाल लिए हमने, ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे देखना, दो चैन उतारेंगे, एक, दो, दो चैन लेने के बाद हम यहाँ पर इस जगह पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा ये हमारा कोना बन गया है, जो देखना ये वाला हमारा कोना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया आठ बनाएंगे, इसमें दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ, ये हो गया। हमारा इसी तरीके से सारी चेनों में बनाएंगे। ये आगे वाली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करूँगी इसमें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर से हम आठ चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर से समझा देती हूँ, दो डबल चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे ऐसे करके, और फिर से हम आठ चैन बनाएंगे इसमें, डबल क्रोशिया बनाएंगे सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो हमें इसी तरीके से सारी चेनों में हमें बनाना है। उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि मैंने कैसे तैयार किया है। तो देखिएगा ये हमने पूरा तैयार कर लिया इस तरीके से। अब ये वाला रह गया है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से जॉइंट करेंगे और फिर इसमें हम आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन,
आठ, दो चैन और यहाँ पर जॉइंट करके इसका भी कोना बना देंगे हम, ठीक है। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया आठ बनाएंगे, तो इसमें हमारी डबल क्रोशिया 16 बनेंगी और बीच में दो चैन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब हम ये आगे वाला डिजाइन बताएंगे जो ऊपर दूसरा बनाया है हमने, और वो भी हमने ऐसे ही बनाया है, इसी तरीके से बनाया है। कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा देखना इस तरीके से ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब आगे हम ये वाला बताएंगे कि ये वाला हमने कैसे बनाया है। आप चाहें एक ही कलर में बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यही कलर है, तो मैं इसी में आपको बता रही हूँ मैं कि इसको कैसे बनाना है आगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम चार चैन लेंगे। चार चैन लेने के बाद हम जो ये है इसके पीछे यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। के बाद हम 10 चैन लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, सॉरी हमने 10 चैन बनाया था इसमें बताया था, लेकिन इसमें हम 14 चैन लेंगे और इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे इसमें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर से हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद इसमें हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से, और इसमें हम 14 चैन लेंगे। ऐसे ऐसे करके मैं बना लेती हूँ आगे, फिर बता। तो देखिए हमने ये चैन बना ली है पूरी, ठीक है। अब इसमें हम जो हमने चार चैन बनाई थी हम दो चैन लेके सीधा हम इसमें आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया से। अब इसमें हम 12 चैन बनाएंगे, 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी। इसी तरीके से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह हो गई और दो चैन, और यहाँ पर हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था इस तरीके से। फिर से हम 12 चैन, एक दो तीन चार पाँच
12 चैन लेने के बाद, डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस जगह पर इसके पीछे जॉइंट करनी है इस तरीके से, ऐसे करके। तो देखिएगा हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर ये जॉइंट होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर हमारा सेम यही डिजाइन बनेगा जैसे हमने ये बनाया है, सेम यही डिजाइन बनेगा। आप भी बना सकते हैं। और बीच में देखना, मैंने ये इसमें ये मोती लगाया है, आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप भी बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका प्यार मिलता है जब भी, उम्मीद होती है बनाने की, अच्छा लगता है बनाने में और बहुत प्यार मिल रहा है आपको। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, डिजाइन कैसा लगा। नमस्ते।